संसद का 5 दिवसीय सत्र आज से यानी 18 सितंबर से शुरू हो गया है। सरकार ने इसकी घोषणा करते समय इसे विशेष सत्र बताया था, लेकिन बाद में स्पष्ट किया गया कि यह नियमित सत्र है। यह सत्रवी लोकसभा का 13वां और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। बता दें कि यह सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान सदन की कार्यवाही 11 बजे से दोपहर 1 बजे और 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। आज सत्र के पहले दिन राज्यसभा में 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादों और सीख पर चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज और मैं हूं साक्षी शर्मा आपके साथ। जानते हैं कैसा होगा संसद का विशेष सत्र। आज से संसद का विशेष सत्र शुरू हो गया है। ये विशेष सत्र 5 दिनों तक चलेगा। इस सत्र में कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे जिनका देश की राजनीति पर गहरा असर हो सकता है। संसद सत्र की कार्यवाही आज पुराने संसद भवन में ही हो रही है। सत्र शुरू होते ही सबसे पहले राष्ट्रगान हुआ और फिर राज्यसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई। आज संसद में 75 साल की संसदीय यात्रा पर चर्चा हो रही है। फिर अगले दिन यानी 19 सितंबर को पुराने संसद भवन में ही एक फोटो सेशन रखा गया है। उसी दिन 11 बजे सेंट्रल हॉल में एक समारोह आयोजित किया जाना है। उसके बाद सांसद नए संसद भवन में पहुंचेंगे। फिर 19 सितंबर को ही नए भवन में सत्र की एक बैठक होगी और 20 सितंबर से इसमें नियमित कामकाज शुरू हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं विशेष सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा होगी और कौन से विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र के सूचीबद्ध एजेंडे का एक मुख्य विषय संविधान सभा से शुरू हुई संसद की 75 वर्षों की यात्रा पर चर्चा करना है। संसद के सफर की उपलब्धियों, अनुभव, यादों और सीख पर विशेष चर्चा होगी। इस बीच लोकसभा और राज्य विधानसभाओं जैसी निर्वाचित विधायकों में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने वाले विधेयक के बारे में चर्चा जोरों पर है। संसद सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन और देश का नाम इंडिया की जगह भारत करने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के प्रावधानों वाले विधेयक को भी पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस सत्र में 4 विधेयक पेश किए जाएंगे जिनमें शामिल है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित बिल, अधिवक्ता संशोधन बिल, पोस्ट ऑफिस बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल। चलिए अब जानते हैं कब और क्यों होता है विशेष सत्र। अब तक कितनी बार बुलाया गया है। संविधान में विशेष सत्र का उल्लेख नहीं है, लेकिन यह अहम विधायी और राष्ट्रीय हित की घटनाओं से जुड़े हालात में राष्ट्रपति के आदेश के बाद सरकार की ओर से बुलाया जा सकता है। ऐसे सत्र में प्रश्नकाल को रखना अनिवार्य नहीं है। अब तक 7 बार विशेष सत्र बुलाए गए हैं। इनमें पहला विशेष सत्र 1977, दूसरा सत्र 1991, तीसरा सत्र 1992, चौथा सत्र 1997, पांचवा सत्र 2008, छठा सत्र 2015 और सातवां सत्र 2017 में बुलाया गया था। चलिए अब जानते हैं आमतौर पर संसद में कितने सत्र होते हैं। आमतौर पर संसद में 3 सत्र आयोजित होते हैं जिनमें बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र शामिल है। इस बार मानसून सत्र जुलाई अगस्त में आयोजित किया गया था। शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में आयोजित किया जाएगा। बजट सत्र हर साल जनवरी के आखिरी से शुरू होता है। वही 2 सत्र के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। नमस्कार, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।